तो अभी बहुत मजा आने वाला है, ये उड़ना शुरू हो गया। बुर्ज खलीफा की जो हाइट है उससे भी ऊपर आ चुके हैं। अगर एक्सीडेंटली प्रिंस के विला के अंदर लैंड कर दिया बलून को, 4000 से 1000 फीट तक आ गया नीचे। टेक ऑफ कहाँ किया था, लैंड कहाँ करेंगे पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। हम लोग फिर वापस आ गए दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जा रहे हैं हॉट एयर बलून के लिए। 4 बजे उठे हम लोग सब, 4 बजे उठ के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी आ चुकी हमारी। चलो तो इन सबको बुला लेते हैं, ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सुबह सुबह 2 गाड़ी आ गई, इन 2 गाड़ियों में बैठ के हम लोगों को जाना है 50 मील दूर दुबई से बाहर। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं। हॉट बलून यहाँ पे ये लोग तैयार कर रहे हैं और कुछ देर में ही हम लोग यहाँ से फ्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चाय कॉफी है, चाय पीते हैं जाके। हाथों में टैग लगाकर और सेफ्टी बेल्ट पहनाकर उड़ान भरने के पहले की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। ठंड बहुत है भाई, सुबह सुबह 6 और 5 जन के ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे। हम लोग इधर 6 जन हैं और उधर 5 जन हैं। सूरज निकलने वाला है कुछ ही देर में और बलून भी हमारा इन्फ्लेट हो गया यहाँ पे, तो अभी बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी सी ठंड लग रही है, आज इतने दिनों के बाद सुबह सुबह ठंड महसूस हुई, क्योंकि हम लोग दुबई से बाहर है, रेगिस्तान के एरिया में है। जल्दी जल्दी में मैं अपना जैकेट भी भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जैकेट पड़ा था तो ये ले लिया मैंने। और अब बोर्डिंग हो रही है हमारी। दादी को बहुत मुश्किल से बिठाया और हमारे जो सेफ्टी बेल्ट है उसको बलून में लगे हुक के साथ बांधना है, और बलून का कैप्टन सारे इंस्ट्रक्शन समझाता हुआ। सुन एज यू हियर लैंडिंग पोजीशन, होल्ड द रोप्स एंड स्लाइटली बेंड योर नी लाइक दिस। जय बॉम्बे, जा रहे हैं ऊपर, ये उड़ना शुरू हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं बलून ने उड़ान भर ली है काले आसमान की ओर, जो कि थोड़ी देर में नीला हो जाएगा क्योंकि सूरज थोड़ी देर में उगने वाला है। मौसम बड़ा ही प्यारा है। हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच गए थे और सारी तैयारियां करने में लगभग 1 घंटा निकल जाता है, और थोड़ी ही देर में कैप्टन ने हमें आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? ऊपर से सब कुछ छोटा छोटा है ना हिरन, ऊपर से सब कुछ सुपर से ऊपर। राई बाबू, और अब सारे मस्ती में आ गए हैं। मेरे पीछे सूरज उगेगा शायद, ये ऊपर जो आग जो ब्लास्ट कर रहे हैं इसके चलते ठंडी थोड़ी कम लग रही है, वरना ठंडी थी सुबह में भाई, बच गए हम लोग। ये हॉट एयर बलून इन्होंने जहाँ से चालू किया वहाँ नहीं उतारेंगे, विंड डायरेक्शन जिस तरफ होगा वहाँ उतारेंगे। तो पता नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती कि कहाँ पे उतारना है इसको। 4000 फीट तक ऊपर ले जाएंगे। अभी हम जो है वो बुर्ज खलीफा की जो हाइट है उससे भी ऊपर आ चुके हैं और टोटल 4000 फीट ऊपर तक जाएंगे। ये हमारा बाद वाला बलून जो है वो नीचे, और 4000 फीट पे आप बोर ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक बाज रखा है। ये बाज के करतब दिखाते हैं यहाँ पे, आप बाज के साथ फोटो भी खिंचा सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। और ये देखो कितनी लंबी सड़क है यहाँ पे। हम लोगों ने जिस एरिया से उड़ान भरी थी उसका नाम है मरघम, और ये रहा मरघम विलेज। ये हम लोग 4000 फीट पे आ गए, अब बुर्ज खलीफा से भी ऊपर। 500 मीटर जो हमारी हाइट है वो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर है, और नज़ारा अद्भुत है। कैमरे में आए ना आए ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैमरे की लेंस से इसको नहीं दिखा सकते, फिर भी जितना आ रहा है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। 10 मिनट बाद सूरज निकलेगा इस ओर से और वहाँ हम पहाड़ी देख सकते हो। ये सारी पहाड़ियाँ जो है वो ओमान की पहाड़ी है, दुबई की नहीं है। यहाँ से दिखाई देंगी वो पहाड़ियाँ, हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अल हजर पहाड़ जो है वो दिखाई देंगे ओमान के पीछे की साइड, छू सकते हैं। बहुत सॉफ्ट है, अपने वजन का 10% खाता है ये रोज। और दोस्तों जिस सूरज को हम लोग देखने के लिए आए थे वो निकल चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूरज ओमान की तरफ, जोरदार नज़ारा, मज़ेदार एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है इसमें, और मज़ा आ रहा है। इतनी हाइट पे आने के बाद भी कोई डर नहीं लग रहा है, ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। हम नहीं आ रहे थे, फिर आ गई है ना, फिर आ गई। आज सुबह दादी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। प्राइवेट एरिया है प्रिंस का, ये पूरी बाउंड्री देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री है, प्राइवेट एरिया है। और ये देखो बलून हमारे नीचे ये साइड लैंड कर रहा है, और यहाँ बहुत सारे बलून। हमारे जो कैप्टन साहब हैं वो अभी 2-3 वीक से ही उड़ा रहे हैं बलून, लेकिन ठीक ही उड़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा भी नहीं है, आज शांति वाला वेदर है। किस इज ट्राइंग टू से समथिंग इन हिंदी, बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस। जिस तरह से स्काई डाइव किया था उसी तरह से जेट्स की स्काई डाइव, हॉट एयर बलून, और पूजा और वो लोग उधर है, उसके वीडियो शायद हम लोग गोप्रो से ले रहे हैं उधर से। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इन सारे एक्सपीरियंस को शब्दों में
बयान नहीं कर सकते, लफ्ज बहुत कम हो जाएंगे, लफ्ज बहुत कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए। वेदर बहुत अच्छा है, सुबह में थोड़ी ठंड लग रही थी लेकिन अभी बहुत सही है, मजा आ रहा है, प्लेजेंट वेदर। दादी ना बोलते बोलते आ गई लास्ट में, वो भी एक अच्छी बात है। अद्भुत, अद्वितीय, शब्द नहीं है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कैमरे पे आप कैप्चर नहीं कर सकते, आप जो देख रहे हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। आप कुछ बोले जनाब? सबसे अहम बात है कि ये सब गैजेट को संभाले रखना, वरना ये ट्रिप की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस है, सबको ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रॉम सिया हिरणपट। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दृश्य है सनराइज का, एकदम ऑरेंज, येलो, रेड, पता नहीं कौन कौन से कलर्स, नाम भी नहीं समझ में आ रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था सनराइज। ये राइड बहुत अच्छी है, हमारे पास ये फाल्कन है, ये भी बहुत प्यारा है, सारी बातें मानी, अच्छे से फोटो खिंचाने के लिए पोजिंग भी करी, और हमारे कैप्टन साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग के लिए बार बार कहते जा रहे हैं ध्यान रखें। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। बहुत मजा आया। प्रिंस के महल के अंदर है, कहीं यहाँ पे लैंडिंग मत करवा दे। अगर एक्सीडेंटली प्रिंस के विला के अंदर लैंड कर दिया बलून को तो पैसेंजर को तो रिलीज कर देंगे, लेकिन बलून और इसका कैप्टन जो है इस पे इंक्वायरी बैठेगी, बलून की जो कंपनी है और कैप्टन पे, कि ऐसा क्यों हुआ और प्रिंस के विला के अंदर क्यों लैंड किया। ये रहा हेलीपैड, और ये मेन मेड जो तालाब है इन्होंने छोटा सा बनाया है, इस पे ट्री से इन्होंने दुबई लिखा है। रेगिस्तान दूर दूर तक कुछ पेड़ उगे हैं और बाकी चारों तरफ रेगिस्तान। दुबई से लगभग हम लोग 45 मिनट दूर आ गए हैं। ये रोड देखो आप, हॉर्स राइडिंग के लिए देखो यहाँ पे बनाया है, वहाँ पे टेनिस कोर्ट। इन लोगों को ही मजा है भाई, 4000 से 1000 फीट तक आ गया नीचे, और कुछ ही देर में शायद लैंडिंग करवाएंगे। बलून आप दिखाओ यहाँ पे, कैमल मिल्क फैक्ट्री है यहाँ पे। टेक ऑफ कहाँ किया था, लैंड कहाँ करेंगे पता नहीं, घूम घूम के बहुत दूर आ गए हैं। आगे कहीं पे किया था हम लोगों ने टेक ऑफ, और लैंड कहीं और करने जा रहे हैं, ये कैमल फैक्ट्री पे करेंगे या कैमल फैक्ट्री से नीचे करेंगे पता नहीं। गाड़ी शायद आ जाएगी हम लोगों को लेने के लिए, जिसमें बैठ के हम लोग आए थे। ये लोग लोकेशन भेज के गाड़ी को यहाँ बुलवा लेंगे। ऊपर थे तो लग रहा था कि स्लो चल रहा है, नीचे आए तो लग रहा फास्ट है, लेकिन स्पीड तो सेम ही थी। यहाँ पे नीचे आके अचानक से लग रहा है कि बलून जो है वो फास्ट हो गया है और नीचे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, लेकिन ऊपर भी इतनी स्पीड थी। कैप्टन के हाथ में जो रस्सियाँ हैं, बलून इसी से कंट्रोल होता है। ये चार कंट्रोल है, यहाँ से फायर यहाँ से ब्लो होती है, इन चार कंट्रोल से यहाँ पे। We put the heat inside, we make the inside air very hot, so it will become very light, lighter than the outside air. This what makes the balloon rise. When we stop putting the heat, the inside air become cold, heavy, heavier than the outside air, the balloon go down. So all the time we are using the heat to control up and down. We have four, this is quantity, same function for ये जो हीट मारते हैं तो उससे बलून के अंदर का जो एरिया है वो पूरा गर्म हो जाता है और हल्का हो जाता है, जिसके कारण बलून ऊपर जाने लगता है। जब नीचे उतारना होता है तो ये जो हीट है उसको कम कर देते हैं, कम करते करते इसको नीचे उतारते हैं। और यहाँ पे लैंडिंग की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कैप्टन ने हमें बार बार समझाया है कि किस तरह से नीचे पकड़ के बैठ जाना है, और हम लोग भी तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये लैंड करता है तो बहुत बार ये पलटी मार जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो पहली बार कर रहा है शायद वो घबरा जाए, इसलिए कैप्टन ने बार बार बोला था अगर पलटी मार जाए तो घबराइएगा नहीं। लैंड हो गए हम लोग, बहुत ही सेफली लैंड करवाया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। नीचे बैठ जाना था रस्सी को पकड़ के, बहुत आसानी से हो गया लैंड। चलिए अब नीचे उतरते हैं, खोल दिया ऊपर से, अब ये बलून नीचे गिर जाएगा। दादी को उतारने के लिए मेहनत, दादी को कुदा दिया, सेफली लैंड हो गए हम लोग, बड़ा मजा आया। अभी जाएंगे दूसरी एक्टिविटीज के लिए। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय।